तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको जो बताने जा रहे हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट सीट से है, दिख रहा है आपको सर? तो जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए वी लुकअप लगाया कि वी लुकअप, यहाँ पे नंबर दिया और यहाँ हम चले गए डेटा में और डेटा को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कॉमा टू कॉमा जीरो कर दिया, एंटर मार दिया। अब इसमें मैथ का फॉर्मूला लगा देंगे तो इजीली ड्रैग कर सकते हैं क्या, जैसे कि मैंने कल आपको ये चीजें बताई थी, याद होगा? याद है सबको? तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया, इसको फ्रीज कर दिया, B6 इसको फ्रीज कर दिया, रिकॉर्डिंग परमिशन दे देंगे सर। ज्वाइन किया कीजिए नवीन जी, ज्वाइन तो किया है सर। रोबिन जी को चाहिए, किसको चाहिए? मैं तो मोबाइल से सर, मेरे को नहीं चाहिए। सॉरी नवीन जी, मैंने आपको गलत बोल दिया। तो यहाँ पे हमने डेटा लगाया और इसको यहाँ से हमने ड्रैग किया तो रिपोर्ट देख रहा है। अभी जो डेटा आ रहा है हमारे वहाँ पहले शीट से आ रहा है, नंबर डाले हैं तो डेटा चेंज हो रहा है ना। अब हमारे जो स्टेट बैंक के जो मैनेजर्स थे, इसके बारे में बताया पंकज कुमार जी, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि हमारे पास कई सारे डेटा है तो मैं यहाँ से अगर चेंज किया D2 तो यहाँ पे D2 का डेटा आना चाहिए, आईडी चेंज किया तो आईडी का डेटा आना चाहिए। अब यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि वी लुकअप किसी भी कीमत में एक शीट से डेटा लेगा, कई सारे शीट से डेटा नहीं लेगा, बात समझे? तो कैसे करें? तो यहां पे आप देखिए कि सबका डेटा सेम है, एक यहां पे प्लस पॉइंट है, सबका डेटा सेम है राइट, बस सीट नेम अलग-अलग है। और जैसे मुझे दूसरे शीट से लगा, शीट मान लीजिए शीट 2 से लगाना होगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे शीट 2 कर दूंगा, D1 की जगह पे D2 कर दूंगा राइट। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, देख कैसे करें सर, आप लोग आइडिया है कुछ? चलिए आपको हम 5 मिनट का टाइम देते हैं सोचने के लिए। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगेगा। किसी के पास आइडिया? निकिता जी ने आई थिंक सही बोला था कि इसमें इनडायरेक्ट लगेगा। हो गया है सर, हाँ हो गया है। हो गया ना? यूसुफ हाँ जी आपसे हो हुआ? गया यूसुफ जी, नहीं सर मुझसे नहीं हुआ, डायरेक्ट लगेगा ना इसमें। हाँ देखिए कैसे लगेगा इनडायरेक्ट, कि मैं देख रहा हूं कि सबका एड्रेस तो सेम है, मुझे बताया आपको, तो इसमें सिर्फ सीट का नेम चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे सीट का नेम को यहाँ से हटा दिया और फिर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इस यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर एंड परसेंट दिया और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा आगे पीछे लगा दिया, बट ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने एंड परसेंट मतलब कि जब ज्वाइन लगाया यहाँ पे, ज्वाइन लगने क्या हो गया कि टेक्स्ट हो गया, और जाहिर सी बात है इसको तो चाहिए रेफरेंस, ये हो गया टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला राइट, क्या यूज करेंगे? इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और यहां पर ले लेंगे रिजल्ट आ गया। अब B3 को कर देंगे फ्रीज और बाकी जगहों पे कर देंगे ड्रैग। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा D1, मेरा डेटा D1 के अकॉर्डिंग, D2, D2 के अकॉर्डिंग, D3, D3 के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया? यस जैसा कर दिए, कहाँ पे लिखे हुए चला हुआ था।
समझ में आया सर कि नहीं सर? समझ गया सर। और नवीन जी, नवीन सिन्हा जी, पल्ले पड़ा जी? समझ गया। ठीक है, पल्ले पड़ा। बादाम खाया कीजिए। अब बच्चा होते तो दो चार बादाम खाने से हो जाता, अब तो दो चार किलो खाना पड़ेगा। सारा दिमाग ऑफिस में खत्म हो गया। ओके, तो सर बैकअप प्लान एक्टिवेट कर लीजिए। चलिए मजाक बतोगे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये तभी वर्क करेगा जब आपके पास यूनिक आईडी होगा। तो अगर मान लीजिए रिपीटेड हुआ तो क्या सर? तो यहाँ पे हम VLOOKUP लिस्टिंग वाला मेथड अपना सकते हैं, जो कि हम आगे क्लासेस में समझाएंगे। बट यहाँ पे एक तरीका और है, वो है हमारा फिल्टर फॉर्मूले की, जो कि याद होगा हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस किया था। कौन सा फॉर्मूला? फिल्टर का। ओके, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम सीट नेम, यहाँ पे एक मिनट में कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, क्या दिक्कत है? कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, मुझे नेम का फाइलिंग करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं पहले फिल्टर का फॉर्मूला। फिल्टर, फिल्टर का फॉर्मूले में हम एक डेटा में जाते हैं, अपनी पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर किसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है? तो जी नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है। क्या होना चाहिए? तो हमारा सीट एट में ये डी, यहाँ पे डी फोर होना चाहिए। रिजल्ट आ गया पूजा, राइट सर? अब इसमें हम जो है अपना सीट नेम को डिलीट करेंगे, और इसमें हमारा ये जो डी सीट का नेम है इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख के, और फिर इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में डालेंगे। वापस हम इसको भी सेम इसी प्रोसीजर को करेंगे। बिफोर लॉक करना पड़ेगा सर, तो हम देख लेते हैं। नहीं, इसमें फिल्टर में लॉक करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर एंड परसेंट। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऑफिस में मिल पाता है, सिलेबस में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रख सकते सर, ठीक है? और बीच बीच में हम कुछ क्लासेस ऐसे ही आपके बर्बाद करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को समझा के, ठीक है? क्योंकि मुझे भी रिकॉर्डर की तरह बजना अच्छा ही लगता है सर। अब मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ D1, तो D1 के अकॉर्डिंग, D2 के अकॉर्डिंग, D3 के अकॉर्डिंग, और पूजा के जगह पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीरज दिया, तो ये हमारा नीरज का डेटा आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? जी सर।